सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं भाई? खैरियत से तो नहीं है, देख ले मोहल्ला हमारा कैसा, इतने हम परेशान हैं। हमारी गली हर वक्त गंदी होती है और महंगाई से हम बहुत ज्यादा तंग हैं। हमें बहुत तरह की परेशानी है, बच्ची की मेरी की शादी है, गली मोहल्ला हमारा ऐसा है। गली मोहल्ला तो आपका बहुत साफ सुथरा है। साफ सुथरा नहीं है ना, ये आपको नजर नहीं आ रहा कि कितने गटर भरे हुए हैं? मैं हर तरफ गंदगी है और ये खम्भे हमारा सिर्फ एक है, तार हमारे दरवाजे पे लटके हुए हैं, ये हमें परेशानी है। गलियों के गटर बंद हो जाते हैं, इनकी हमें परेशानी है। तो मेहरबानी आपकी, ये हमारा काम करो। माजी गटरों में बड़ी स्मेल है, बड़ी बदबू है जो खड़ी नहीं हो जा रही, ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। अब आपने कहा कि रिश्ते भी करने, लोग तो आते नहीं होंगे, कहेंगे इतनी गंदी गली के अंदर दाखिल हो हम लोग, ऐसे है ना माजी? परेशान है, ये परेशानी हमारी हल करे और महंगाई जरा कम करे। किसने हल करनी है पहले बताएं जरा मुझे? ये हुकूमत ने करनी है। हुकूमत में कौन है? मर रही है, हमें क्या पता अब ये हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हुकूमत में किसको वोट दिए थे आपने इतने लाख? हमने तो भाई शेर को पहले वोट दिया। राणा बशीर को जिताया ना आपने? हमने शेर को जिताया, फिर बाद में सारी दुनिया आवाम वो इमरान खान की बन गई। चलो वो तो इमरान खान की बन गई, हम इमरान खान के साथ नहीं है बिल्कुल, अभी भी नहीं है। नहीं मैं आपको ये नहीं पूछा आप किसके साथ है, मैं आपको ये पूछूँ आपको चाहिए की आपको तो रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए भाई, हमारा अच्छा कारोबार हो। अब गरीब बंदे हम अपनी रोटी आटे का पूरा नहीं कर सकते, गरीब बंदे शादी ब्याह किस तरह करें हम? इतनी महंगाई कर दी है कि लोग परेशान है। इस परेशानी के बीच में जो है ना हम बहुत मसाइल में, हमारे ये गली मोहल्ला सही होना चाहिए, हमारे लिए महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। थोड़ी कम होनी चाहिए? थोड़ी नहीं, नहीं महंगाई ज्यादा अच्छी वाली कम होनी चाहिए ना? हाँ जी थोड़ी में गुजारा हो जाएगा। ये सब बच्चे सब यहाँ मोहल्ले वाले सब, आपने मुझे देखे ना, आप मुझे बताएंगी तो इन लोगों तक आवाज पहुँचेगी। हाँ जी, बच्चे तक आवाज पहुँचेगी बिल्कुल, ठीक है आपको अख्तर हुसैन तक आवाज पहुँचेगी। हम जो है बहुत परेशान है, तो हमारा ये मुश्किलें हल करें। गिरी भी तारे भी आप लोगों की सड़कों गली में मैंने देखा, मेरे दरवाजे के आगे बिल्कुल तारे लटकी हुई है, खंबा भी लाकर लगाए और ये गटर लेन गली है सब साफ। तो किसी को भी हादसा हो सकता है ना? हाँ जी बिल्कुल। इधर आए बजट रहे आप बताए क्या कह रहे हैं? चोरी जाती है तो अर्थ आते हैं भाई यहाँ पे, आते होंगे बूढ़े, कितनी दफा तो यहाँ पे खोते मर गए, ये साथ ही खोते हैं। जानवर मर गए, वो कैसे मर गए? बस जानवर निकल जाते हैं, इंसान तो बच जाते हैं। ओए ओए तारों के साथ टकरा गए, कितने नीचे तारे हैं ये तुम्हारे सामने आप? मैंने देखी है मेरे भाई, मैंने देखी है दीवारें के बिल्कुल साथ साथ तारे गुजर रही हैं, आपके दरवाजों से गुजर रही हैं, तो बड़ा काम खराब है यार। यहाँ से निकल नहीं सकते, ऊपर से आते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो नमाजी परहेज हैं, अक्सर यहाँ से नहीं आते, उस साइड से आते हैं। उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, आप क्या करते हो गली में, हम क्या करें, हमारे एमएलए कैसे? यही तो बात है ना कि आपके आपके एमएलए ने आपसे वोट लिया है, आपके एमएलए को सोचना चाहिए ना, आपके एमपीए को सोचना चाहिए। वो महकमों को कहे ना जाके जी काम करो करो, है ना? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बाहर खेलना है, इन्हें कुछ हो गया तो गिरते हैं। मंगे बंदे आते हैं, मायना करके चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके सामने आप घरों में देख ले गंदगी मची हुई है, बंदा पेशाब भी नहीं कर सकता खुल के घरों के अंदर, अंदर वाशरूम बंद हुए पड़े, पानी जब बाहर सारी गली भरी हुई है। मतलब वॉशरूम आप लोगों के वॉशरूम में पानी है इस वक्त? यार बात है यार, देखे आप देखे तो सही कर रहा है। नहीं ये तो मैंने देख लिया, वो तो मुझे आपने घर के अंदर दिखाना क्या सिलसिला है? सिस्टम है ना, यानी कि सीवरेज का सिस्टम सही नहीं है, तो फिर पानी भी यानी कि ऐसे ही खुद ही यानी कि। अभी अगर मैं किसी का घर देखूं वहाँ के वॉशरूम फुल हुए होंगे? हाँ ऐसे ही है यार, ऐसे ही है, ऐसा घर है, ऐसा घर है क्यों भाई, ऐसा घर है हो गए इस गली में, यही गली में घर है, दिखाए इमरान अपना घर, पानी भरो पड़ो आ रहे घर है, ऐसा ही है इन्होंने कहा। सारे घर में ये हाल है ऐसे यार, पाइप मारना पड़ता है इस घर में, ये हाल है। कोई कोई घर है जिसमें भरे हुए किसी में नहीं भरे, जिनका वॉशरूम ऊंचा है, उनका जिनका वॉशरूम ऊंचा है ना साफ करवाते हैं, दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं गटर लेन सारी। कहाँ पैसे लगाती हैं आप भाई? ये जो लेन गलियों में ना इकट्ठे करके 500-500 जितने भी होते हैं हम करते हैं, फिर दूसरे दिन भर जाते हैं। किसको देते हैं 500-500 रुपया? आपस में लगते हैं हमारे, आपस में देते हैं। किसको आपस में लगा करके क्यों देते हो यार, उनको तनख्वाह नहीं मिलती क्या पता? बस वो कहते हैं भाई हमारे माँ को भी नहीं पता, तनख्वाह के बगैर कोई काम करते हैं माजी? 500-500 रुपए वो आते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, जो सरकारी बंदे हैं ना जो फ्री है वो आते ही नहीं है, वो बंदों का हम बुला के लाते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो पाइप नहीं मारते। अच्छा सरकारी बंदे तो आते ही नहीं है, गवर्नमेंट के बंदे, सरकारी बंदा ही नहीं आता। लो जी उम्मा टाउन के इलाके में सरकारी बंदा ही नहीं घुसता है, मतलब मर गए सारे, उससे बाद गाड़ी नहीं आती है, देख के चली जाती है। आपके मेरे पैसों को हराम किया जा रहा है, तनख्वाहें ली जाती हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, काम शाम कोई नहीं है, किसी किस्म का लोग 500-500 रुपए दे के अपनी सहायता के बारे में बच्चे स्कूल जाते हैं। महंगाई पे महंगाई है, इस चीज से हम बहुत परेशान हैं। हाँ। एक वक्त की रोटी होती है, दूसरे वक्त परेशानी होती है। अल्लाह रहम करे माजी, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये जो लगे हुए बहुत महंगाई कर रखी है। ये मेन रास्ता है,
ये मेन गली है आपकी। छोटे बच्चे ना आप सुबह के फर्स्ट टाइम देखे ना 8 बजे आप 7:30 बजे देखे, इतना रश होता है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कोई गिर जाता है, किसी के कपड़े गंदे हो गए, कोई इसको देख के ऊपर से आता है लंबे रास्ते से, गिर भी जाते हैं। समझा रही है? गिर भी जाते हैं बच्चे इधर, बच्चे गिरते होंगे यार, आपके वो मेन हॉल के ढक्कन ही नहीं है। जो बंदे को पूछ लो भाई क्यों नहीं आते इधर, डर लगता है क्यों, गंदी गली है, मैं आज बढ़वाओ इन्हें फिर डर लग रहा है। कूड़े को भी यहीं पे आग लगाई हुई है, किसने लगाई हुई है ये कूड़े का भी ढेर लगा हुआ यहाँ पे, ये गंदगी बढ़ी है इधर, कोई कुछ करते नहीं जाता इधर, ये किसने गंदगी डाली है, आप लोगों ने डाली, हमने डाली है, साफ तो करे, लेकिन साफ तो करे यार, क्या ये सच बोला इस बच्चे ने, वोट देते हैं इधर देख के जरा बोलो, इधर आप देख के जरा बोलो, इधर देख के बोलो भाई जान आपको वोट देते हैं, शबाज शरीफ साहब बताए, वोट देते हैं शबाज शरीफ साहब, आपके वजीर आजम है राणा मुबशर, उनके नीचे एम एन है आपके इलाके के, तो उनको राणा मुबशर साहब की जरा शिकायत तो लगाओ ना, राणा मुबशर को मैं जानता ही नहीं हूँ यार, आपके एम एन है वो, जानता कभी देखा ही नहीं उसको, नहीं देखा, लो जी ये हाल, वो तो कभी इधर आए ही नहीं, देखा ही नहीं आप लोगों ने, देखा ही नहीं किसी ने, वोट कैसे दे दिया आप लोगों ने, बस ये शेर का है, शेर को दे दो वोट, बस दे दिया शेर है, वोट दे दे, तो फिर गलती तो आपकी है, तो भाई यही है ना, इसका मतलब शेर करते हैं यहाँ पे लाके, अब पछता रहे हैं ना हम लोग, सभी पछता रहे हैं कि हमने गलती की, मतलब आपने किसी इंसान को वोट दे दिया, आपने जानवर को वोट दे दिया, बस यही है, ऐसा ही है ना, नूनी की बंदा, नूनी की पार्टी का, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, फहद है मैं इधर का रहायश हूं, हां बादशाह जी, आप जरा आगे आगे आज आपको मैं आगे आ रहा हूं, आगे दिखाते हैं आपको कि किस परेशानी में इस टाइम हमारी आवाम है, मल्ला कितना परेशान है हमारा, इनको कोई, इनको हमारे क्लासों के एमपी हैं, इन क्लासों के एमपी हमारे, इनको कोई ख्याल नहीं है, इलेक्शन लेने की बारी इधर आ जाते हैं, इलेक्शन लेते हैं हम इनको, इनको जिताते हैं वोट, लेकिन हमारा कोई ख्याल वगैरह नहीं करते, मैंने सुना था नहीं आपके पास जी, दोबारा आए नहीं कभी, चक्कर नहीं लगाया, उसके बाद आए नहीं है, मोहल्ले वाले बड़े परेशान हुए, बड़े बीमार हो रहे हैं, अब कल आएंगे, अब आएंगे, इलेक्शन होंगे, सब आएंगे, फिर क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ बार बार आएंगे, छितर मारेंगे हम, छितर मार के भगाएंगे इनको, जो जो भी आएगा, सारे छितर मारोगे, इनको कोई ख्याल नहीं आ रहा, अब यकीन करे, कल मैं बाइक लेके जा रहा था, इधर से जाऊँ सामने वो होल था गटर का खुला हुआ था, मुझे पता नहीं लगा पानी इतना भरा हुआ, मेरा पैर फिसल के उसमें मैं गिर, बाइक भी गिर गया, आपके वो मेन हॉल के ढक्कन ही नहीं है, वो वही तो कह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, पता नहीं चलता, एक बुजुर्ग जा रहे थे उनके पाँव पे नहीं, आपने आजोजी बाजी आज नहीं, आपने बोला की जब कोई वोट मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे, किस किस की बात की है, जो भी आएगा मतलब नून से कोई वोट मांगने आया या पीटीआई से आया, देना ही नहीं, देना ही नहीं है, किसी को भी नहीं देना, वोट मांगने बारिश पड़ती है तो करंट आते हैं लोगों के दरवाजों में, आगे चल के देखता हूँ जी, थोड़ा सा आगे चल कर देखते हैं इस इलाके के अंदर जो मसाइल है, वो जरा मैं आपको आपकी आँख से और अपनी आँख से भी देख, बोला जाके किसी को, किसको बोला आपने, यहाँ के जितने भी एमपी हैं, जितने भी यहाँ के काम करने वाले, आपका एमएनए कौन है पता है आपको जी, यहाँ पे राणा वो जो बेचारा बहुत नीचे है, राणा बशीर आपका एमएनए है, चेयरमैन भी नहीं आता, चेयरमैन का क्या नाम है, चलो चेयरमैन का भी बता दो, चेयरमैन के इधर के जो हमारे हैं वो है राणा राशिद साहब हैं, वो आते नहीं है, वो जब आते हैं जब कोई इलेक्शन हो या कोई ऐसा वगैरह, पाँच साल बाद, पाँच साल के गैप से।